प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी की यात्रा समाप्त करने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी मंगलवार को भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। आपको बताएं, पीएम नरेंद्र मोदी 8 से 24 मई तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। तो ये तब की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मोदी सिडनी पहुंचे और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के कई लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे और ऐसे ही उत्साह के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत सिडनी में। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। लास्ट टाइम वो जब आए थे 2014 में, तो हम उनसे मतलब दूर से देखा था हम लोगों ने, और दिस टाइम हमें उनको मतलब बहुत नजदीक से मिलने का दिखा, तो हम लोग बहुत बहुत एक्साइटेड हैं, जस्ट उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत खुशी है, हम बहुत बेसब्री से उनकी राह देख रहे हैं और हम मराठी एसोसिएशन सिडनी की तरफ से हम लोग आए उनको वेलकम करने के लिए। सब महाराष्ट्रीय कम्युनिटी के तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। वेरी एक्साइटेड, प्रधानमंत्री जी चाहे वो इंडिया के प्रधानमंत्री थे पर हम सभी के दिलों पर राज करते हैं, एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू हिम बिकॉज आज उन्होंने इंडिया को एक नई पहचान दी है। एंड आई वुड हैव टू से आज इंडिया अगर सुपर पावर है तो इसमें उतर कर आई है और जीत भी रही है और जीते भी आगे और भी जाएंगे। ओके, तो आपको बताएं क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिडनी में। सिद्धांत सिब्बल हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। सिद्धांत, सिडनी में वो झलक तो हमें देखने को मिल गई जब जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे सिडनी में, लैंड हुए वहां पर, काफी ज्यादा गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ। क्या क्या कार्यक्रम है वहां पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा जल्द शुरू होने वाला है। इस दौरे में प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ, और डायस्पोरा को भी लेकर एक बड़ा और भव्य सम्मेलन होने वाला है जिसको वो संबोधन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले प्रधानमंत्री G7 के शिखर सम्मेलन में गए थे और पापुआ न्यू गिनी में भी एक पैसिफिक आइलैंड देशों की मुलाकात में उन्होंने शिरकत करा था। कहीं ना कहीं भारत का बड़ा फोकस इन शिखर सम्मेलनों और ऐसी बायलैटरल विजिट से यही है कि कैसे दुनिया की दशा और दिशा तय कर सके। मैं आपको बता दूं कि भारत ने जो बड़े मुद्दे रखे हैं दुनिया के सामने, वो हैं इंडो पैसिफिक में शांति को लेकर, UN रिफॉर्म्स को लेकर, काउंटर टेरर को लेकर, और कैसे भारत दुनिया में एक तरफ से ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन सके। ओके, धन्यवाद करेंगे सिद्धांत जानकारी के लिए।